अच्छा जी, अब हम ट्रेनिंग के ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट के अंदर एंटर हो गए हैं। तो इसके अंदर हम जो है सेट एनालिसिस क्लिक के अंदर एक वर्ड है या एक टाइप ऑफ एनालिसिस है जो कि बाकी जगहों पे नहीं होता, वो हम यूज करते हैं। और बहुत बेसिक सा ये एक एनालिसिस है। मैं इसके ऊपर जो है वो हम इसको अभी बहुत बेसिक से टच करेंगे, ठीक है, कि आप एक बेसिक सेट एनालिसिस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप फ्यूचर के अंदर जो देर आर रियल वीडियोज, जब आप हैंड्स ऑन हो जाए, आपको मिनिमम जो है ना वो क्लिक के अंदर एक आध वीक का एक्सपीरियंस हो जाए, आप एक दो एप्लीकेशंस बना ले, ठीक है, और बाकी चीजों के साथ कंफर्टेबल हो जाए, देन यू मूव टूवर्ड सेट एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सेट एनालिसिस के लिए। अगेन माई फेवरेट सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट को यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है। तो वो सेल्स अमाउंट आ गई है जी, मेरे पास इतनी टोटल सेल्स अमाउंट है, ठीक है। अच्छा जी, और मैं इसको यहाँ पे ऑटो सजेशन ऑफ कर रहा हूँ, इसको केपीआई चार्ट ही यहाँ पे रहने दे रहा, ठीक है। अच्छा, देखेंगे तो डिपेंडिंग ऑन कि चार्ट्स कौन से हैं, हर चीज के ऊपर ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन मोर और लेस जो मैंने डिस्कशन की है, ठीक है, हर बेस्ड ऑन डिफरेंट चार्ट थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी, बट 70% एवरीथिंग इज सेम। एवरीथिंग विल हैव डेटा, डायमेंशन, मेजर्स, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रेजेंटेशन के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज, बेसिक सी लेबल्स वगैरह किस तरीके से होनी चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें सब में कॉमन है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं, अच्छा, ये हमारे पास आगे सेल्स अमाउंट, ठीक है। अब लेट्स से के ये केपीआई है और आप कुछ केपीआईज बनाना चाह रहे हैं कि जी मेरी कैटेगरीज वाइज जो है ना वो आप केपीआईज बनाना चाह रहे हैं कि जी आपके जो है वो, या ईयर वाइज लेट्स से के मेरी लास्ट ईयर कितनी सेल थी इस साल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो हम आप ये करते हैं कि हम जो है वो, हमें पता है कि इसके अंदर जो लेटेस्ट ईयर है वो 2022 का है, मैं इसको थोड़ा सा उसके ऊपर चल रहा हूँ, सॉरी, कैटेगरी वाइज करते हैं इसको, ठीक है। कि जी मैं ये देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे केपीआई के ऊपर, मैं तीन केपीआई बनाना चाह रहा हूँ कि मेरी जो है वो स्पोर्ट्स वेयर के अंदर कितनी सेल थी और स्विम वेयर के अंदर कितनी सेल थी बेबी। तो लेट्स से स्विम वेयर की बात करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की, ठीक है, और सिलेक्शन करने के बाद मुझे सारा डाटा मेरा चेंज हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे केपीए बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, एफएक्स पे क्लिक करूंगा, और ये सम और ब्रैकेट के बाद मुझे यहाँ पे ये कर्सर प्रेस करना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पे मेरे पास आ रहा है सेट एक्सप्रेशन, और यहाँ पे मैंने इंसर्ट करना है। ऊप्स, ऑर्डर आईडीज भी हमने सेलेक्ट किए हैं, सॉरी मैं कुछ गलत सिलेक्शन कर ली, ओके, ऑर्डर आईडीज हमने सिलेक्शन नहीं करनी, सॉरी माय फॉल्ट। आपने यहाँ पे ये सिलेक्शन करनी है कैटेगरी नेम की ऊपर, फिर आपने एडिट बोर्ड में आना है, ठीक है। फिर आपने जो अभी केपीए बनाया है सम ऑफ सेल्स अमाउंट, आपने इस पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे सेट एक्सप्रेशन आ रही होगी, इस पे क्लिक करके सिलेक्ट करंट सिलेक्शन और इंसर्ट कर दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, ये बेसिकली सेट एनालिसिस का सिंटेक्स है, ये आप मैनुअली भी सारे के सारा लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज अ इजी वे कि जिसके अंदर आप कैटेगरी वाइज आप जो है वो मैनुअली लिख लें, ठीक है। जिसके अंदर मेरे पास आ गया कि ये इसने सारे के सारा लिख दिया, जो मैंने सिलेक्शन की हुई थी उसके ऊपर इसने केपीए बना दिया, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको सिलेक्शन को खत्म करूंगा तो ये मेरा केपीए यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूँ कि जी मेरा स्विम वेयर सेल्स, अच्छा। अब इसको जो है ना हम इसी को कॉपी करके इसके ऊपर मल्टीपल और केपीज बना लेते हैं जल्दी से। सेल्स मैंने कहा जी कॉपी पेस्ट, और दूसरा केपीए मैं बना देता हूँ स्पोर्ट्स वेयर का, ठीक है। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स वेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी ऑर्डर आईडी, नो, वी नीड टू सिलेक्ट स्पोर्ट्स वेयर, और मैं यहाँ पे आता हूँ और एफएक्स पे जाता हूँ। मैं ये वाला पार्ट सारे का सारा डिलीट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद
मैं करंट सेल इंसर्ट करें तो आप देखो एक्सप्रेशन मेरी यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देखें स्पोर्ट्स वेयर की सेल्स आ गई है मेरे पास, और इसको मैं नाम रख देता हूँ जी स्पोर्ट्स वेयर सेल्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ना वो अपने सेट एनालिसिस बना सकते हैं, और इसमें अब मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकती हैं। अब मल्टीपल सिलेक्शन करके मैं लेट से हम इसको जो है ना मल्टीपल ही करने की कोशिश कर लेते हैं, कि स्पोर्ट्स वियर की बजाय हम यहाँ पे जाते हैं और लेट्स डू मल्टीपल सेक्शंस हियर, कि इसके अंदर जो है वो मैं मेंस और स्पोर्ट्स वियर आप दो सिलेक्शंस कर लें, और इसके बाद इक्वल मैंने यस कर दिया, और फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं अगेन इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ओवरराइट नहीं करता। तो सॉरी, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो कंडीशन है ये सिर्फ मैंने करनी है, तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ अगेन, ठीक है। तो ये देखें ये दो आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपके पास, क्योंकि इसके अंदर ये कॉलन जो है ना, ये मेंस के अंदर ये देखें इसके अंदर भी कॉलन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज जहां पे ये कॉलन आ रहा हो तो आपने यहाँ पे डबल कोट लगा देना है सिंगल कोट की बजाय, ठीक है। जहां पे कॉलन आ रहा हो तो उसके अंदर आपने उसकी एक्सप्रेशन के लिए आपने डबल कोट यूज करना है, ठीक है। तो अब ये दो चीजों की सेल्स आ गई मेरे पास, स्पोर्ट्स वियर और स्पोर्ट्स एंड मेंस, ये मेरे पास आ गई। और मैं सिलेक्शन क्लियर करता हूँ तो इट विल स्टे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट केपीआई ईयर वाइज भी और डिफरेंट एंगल से जिस तरह भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। इवन ये केपीआई जरूरी नहीं है कि केपीआई चार्ट के अंदर हो, आप और भी जगहों पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको अभी और जगह पे यूज करना है तो मैं इसको ऐड टू मास्टर आइटम कर देता हूँ, और मैं किसी भी जगह पे ड्रैग करके उसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास सेट एनालिसिस का बिल्कुल बेसिक है, आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसकी जो फर्दर डिटेल है उसके ऊपर मैं जो हूँ वो एक काफी डिटेल वीडियोस की हुई है, हम इसके मे बी नेक्स्ट सेशन में कवर भी करेंगे। मैं जो है वो आप लोगों को अभी नेक्स्ट जो पार्ट है एट द एंड आखिरी 5 मिनट में आई विल गिव यू एन ओवरव्यू कि जो ऑनलाइन मटेरियल्स हैं आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं इन एडिशन टू दिस पार्टिकुलर ट्रेनिंग। ओके जी, सो द नेक्स्ट पार्ट हम ये हमारा जो डेवलपमेंट थी हैंड्स ऑन वो खत्म हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है ना वो अब हमने ये चीज बना ली, अब हमने इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। ये हमने भी बहुत जल्दी जल्दी में बनाई है, इसके अंदर बहुत चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, काफी सारी चीजें। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैंने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे इस क्लिक के लोगो पे क्लिक करेंगे तो अगर आप क्लाउड के ऊपर हैं तो वो आपको नजर आ जाएगा, और अगर आप जो है वो अपने ऑन प्रेमिस के ऊपर काम कर रहे हैं तो डोंट वरी, जस्ट हैव अ लुक। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, जिसके अंदर ये सारी जितनी भी चीजें हमने यूज की है पड़ी हुई है वहां पे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, आप जाएं अगर आप क्लाउड के ऊपर हैं तो आप कलेक्शंस पे जाएं और उस पर रिसोर्सेज में जाएं और उस पर डेमो ऐप पे क्लिक करें। तो यहाँ पे क्लिक की कुछ डेमो एप्लीकेशंस है जो यहाँ पे पड़ी हुई होंगी, ठीक है। उसके अंदर मैं डेमो ऐप बिगनर्स ट्यूटोरियल के ऊपर क्लिक करता तो इसमें जो है ना वो उसने इसको बताया हुआ कि आपने इसको यूज कैसे करना है, ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि लेट्स से कि मैं इसमें ईयर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखें सारे का सारा डाटा है जो है वो सिलेक्ट हो चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जी नेक्स्ट शीट पे जाएं, ठीक है। ये एरो बटन क्लिक करके यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ पे इसने बटन भी बनाया हुआ है, बटन से हम यूज कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट चार्ट्स, ठीक है। और फिर आप जो है ना अपने पिछली पे शीट पे जाना है तो आप ऐसे जा सकते हैं, अगली शीट पे जाना है तो आप ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे शीट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं, और अगर आपने सिलेक्शन की हुई है खत्म करनी है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया बेसिक सा काम, ठीक है। अच्छा, अब आपने हमारे पास फिल्टर बॉक्स की ऑप्शन भी होती है, फिल्टर यहाँ से लगा सकते हैं, या हमने देखा था मैंने किया था सर्च से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज सामने नहीं मौजूद उसको मैं सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है। या आप यहाँ से
सकते हैं, जब सिलेक्शंस कंप्लीट हो जाए तो आप इसको क्लिक कर ले तो आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने प्रोडक्ट्स को कहा कि मैंने इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो सिलेक्ट कर दो। ठीक है, मैं अगेन इसको क्लिक करता हूँ, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ड्रैग और बटन छोड़ना नहीं है, इसको आप ऐसे ही ड्रैग करते रहे तो आपको जो इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और सारे डेटा के ऊपर ये वैल्यू सिलेक्ट हो जाएंगी, ये पांच प्रोडक्ट जो कि इस रेंज में आ रही थी सिलेक्ट हो गई है और उससे रिलेटेड केपीआईज मेरे पास आने शुरू हो गए। ठीक है, और फिर ये क्योंकि एसोसिएटेड है उसके बाद मेरे पास डिटेल रिपोर्ट भी। ठीक है, तो वो डिटेल लेवल तक वो चीजें जो है वो मेरे पास इसमें जा रही। ठीक है, ये हर एंगल से डिफरेंट तरीके से, अब ये किसी ने एनालिसिस बनाया हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके से फ्लो हो रहा है, एक नेचुरल फ्लो है। ठीक है, तो जब आप एनालिसिस एक्चुअली डिजाइन करते हैं तो इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप जो है ना वो इस तरीके से डिजाइन करें कि आपका एक नेचुरल फ्लो बन रहा हो। ठीक है, तो ये एक जो है वो हमारे पास डेमो ऐप है, ये उधर एग्जिस्ट करती है, मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा, आप इसके साथ बेसिक्स है इसको, इट अलाउज यू टू प्ले अराउंड। अच्छा, उसके बाद एक और एप्लीकेशन जो है वो मैंने पे गूगल ड्राइव शेयर भी की हुई है, मैं आपसे उसका लिंक अगेन दोबारा शेयर भी कर देता हूँ उस गूगल ड्राइव का जिसके अंदर ये सोर्सेज हैं, जिसका नाम है जी एबीसी सेल्स के नाम से आ रही होगी आपके पास वहां पे। तो अगर आप उसको ओपन करते हैं तो ये एक डैशबोर्ड बना हुआ है। ठीक है, हम इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए मेरे पास डेटा आ रहा है कि जी किस तरीके कॉस्ट ऑफ गोल्ड किस तरीके से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, एक डैशबोर्ड सा बना हुआ। ठीक है, मैं नेक्स्ट शीट पे जाता हूँ तो मेरे पास क्वार्टर वाइज जो है वो चीजें आ रही है, मैं इसमें से एक क्वार्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली डेटा उसके लिए सिलेक्ट हो गया मेरे पास। ठीक है, उस पर नेक्स्ट चीज पे आता हूँ, कस्टमर डिटेल्ड एनालिसिस है और मेरी जो सिलेक्शन है वो उसके ऊपर होल्ड कर रही है। ये स्कैटर चार्ट है, स्कैटर चार्ट के ऊपर मेरे पास सिलेक्शन की ऑप्शंस है, ये इस तरीके से आप कोई भी गोल गोल करके घुमा के मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इस तरीके की सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर मतलब आप किसी भी शीट पे मूव कर रहे हैं तो आइडिया है इसके वो सिलेक्शन इंटेल कर रही है। ठीक है, और मैं अब इस कस्टमर के लिए सारे ऑर्डर देखना चाह रहा हूँ तो वो सारे आगे ऑर्डर। ठीक है, उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए। और फिर उसके बाद एक और इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि आप किसी भी चार्ट के ऊपर ये राइट क्लिक करें तो आपको एक्सप्लोरेशन मेन्यू जो है वो नजर आएगा। ठीक है, एक्सप्लोरेशन मेन्यू के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन डिफरेंट आ रही होंगी यहाँ पे रन टाइम के ऊपर भी। ठीक है, एडिट मोड में जाए बगैर आप कलर्स प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं, इवन डेटा के अंदर सॉर्टिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सॉर्टिंग की ऑप्शन नहीं है, रेलिवेंट नहीं है तो इसलिए नजर नहीं आ रही, लेकिन इसमें सॉर्टिंग्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेक्स्ट शीट पे आया हूँ और इसके अंदर एक्सप्लोरेशन मेन्यू में जाता हूँ तो इसमें सॉर्टिंग की ऑप्शन है तो मैं रन टाइम पे सॉर्टिंग चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, रन टाइम पे मैं टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन की भी चेंज कर सकता हूँ कुछ चीजें, कलर बाय डायमेंशन करना चाहूँ या कलर बाय मेजर करना चाहूँ तो कलर बाय मेजर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ टाइम पे भी हमारे पास ये आप एंड यूजर को दे सकते हैं, आप नॉर्मली यूज नहीं कर रहे होंगे, ये एंड यूजर इसको यूज कर रहा होगा, उसका एंड यूजर जो है वो मेन इसका यूजर होगा। ठीक है, और आप सिलेक्शंस वगैरह कहीं किसी भी जगह पे कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा आइडिया था कि इसके ऊपर आप कैसे प्ले अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग जो हमारे यहाँ पे खत्म हो गई है, मैं एंड वो आपको बिल्कुल शेयर करूंगा कुछ अभी जस्ट लास्ट 5 मिनट्स ड्राइव उसके यूट्यूब के लिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि आप कैसे उसके ऊपर फर्दर जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो